जय माता दी आप सबको। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है ना, वो रही है शाम के 5 बजे से, और शुरुआत भी मेरी हो रही है गौशाला से। मैं गौशाला में हूँ और पानी वगैरह जो है ना वो पिलाने का काम चलवा है हमारे पशुओं को। पी लिया ठंडे बाहर। और आज जो है वो मौसम थोड़ा सा करवट ले चुका है। तू क्यों बोल रही है? तेने पीना तो है नहीं। ले, इसने पीना नहीं है। फिर इसको ना बाल्टी देख के ऐसे बहुत सोचती है कि इसमें खाने को कुछ ले, तू ही पी ले। ये नन्नू सा पिएगा, पी ले। लास्ट बारी है मेरी पानी पिलाने की, अब नहीं पिलाऊंगी क्योंकि आज बाहर ना थोड़ी हल्की हल्की, कैमरा भी कुछ ऐसी आ रहा है, हल्की हल्की सी ना बारिश होगी, और जिसके कारण आज हमारे पशु पूरे दिन गौशाला में रहे, पानी पीते नहीं है। जो मतलब खूंटे से बाहर जाने वाले पशु होते हैं ना, यानी कि जंगल छोड़ने वाले, वो पानी नहीं पीते हैं। बाहर का जो मौसम है ना वो कुछ इस प्रकार बना है। आज हल्की हल्की बारिश हुई हमारे यहाँ पे, और किस किस के यहाँ पे बारिश हुई वो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, ये देखिए पीछे जो है ना सूखा ही है, बस हल्की हल्की बारिश हुई है। बारी बारी जो है ना मैं सभी पशुओं को पानी पिला रही हूँ, पर ये जो है पशु मेरे ना थोड़ा थोड़ा पानी पी रहे हैं। बकरियाँ तो पी लेगी शायद, इनको छोड़ा भी था थोड़ी देर हमने बाहर। हाँ रुक जा मम्मा, रुक जा। और ये देखिए बाहर का जो नज़ारा है ना मौसम का, वो कुछ इस तरह का है। और देखिए आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी कितनी बारिश हुई है। बस थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की हुई है, ज़्यादा नहीं हुई है। थोड़ी सी राहत मिली है हमें सूखे से, जो धूल थी ना उठी हुई वो भी एक दिन के लिए। ये देखिए हल्की हल्की हल्की, थोड़ी थोड़ी, बिल्कुल हल्की हल्की बारिश हुई है। मैंने वहाँ पे ना बाल्टी रखी हुई, मैं गौशाला को जाऊँगी अभी मिल्किंग करने, पर पहले ना मैं पानी पिला लेती हूँ पशुओं को। तो पशु ना एक दूसरे से लड़ रहे थे पानी को, एक बोरा था मैंने पीना, एक बोरा था मैंने पीना, और जब मैंने इनको दोनों को अलग अलग पानी डाला ना, तो अब देखिए अब ये दोनों ही नहीं पी रहे, ना ये वाला पी रहा है और ना ये वाला पी रहा है। क्या ये हैं? ऐसे जैसे शरारती बच्चे नहीं होते वैसे शरारते करते। और गौशाला में मेरे पूरी तरह से सूखा है, यानी कि इनको जो बिछाया हुआ ना सूखा है मैंने डाला हुआ, ताकि इनको ना ठंडी नहीं लगे। अब नहीं पीना, बाहर जाने की सोच रही है, बाहर जाएगी, बाहर कैसे जाएगी? अब क्यों नहीं पिया ये हैं? अब इसको भी मार रहा है, बड़ा भारी डॉन बनता है अपने आप को, है डॉन बनता है, डॉन है, डॉन है तू, कहाँ का डॉन है तू, है इधर का डॉन है, क्यों मारता है, क्यों डराता है इनको छोटे बच्चों को, है बच्चे नहीं है तेरे, तेरे थोड़ी है बड़े बड़े हैं गंदे। पी ले बेटा, पी नहीं पीना, पानी पीना इन्होंने ना पीना, इनकी मर्जी है, पर हमारा फर्ज है पानी पिलाना, है ना। तेरे को लेगी ये प्यास, पी ले। इसके पास दो दो बाल्टियाँ रख रही हूँ मैं, कि जूठा नहीं पिएगी ये, पर इसने पीना नहीं, बड़े नखरे कर रही है, मेरे को पता है बाहर नहीं छोड़ा हुआ आज इसको, बाहर नहीं छोड़ा हुआ आज, है ना। तो पानी का हो गया इनको, और अब मैं जो घास निकालूंगी, और ना मैंने उपले जो बाहर इकट्ठा किए थे ना सूखे हुए थे, वो मैंने पर भर भी दिए अंदर, नहीं तो गीले हो जाने थे सच्ची में। ये पकड़, मैं घास फेंक रही हूँ और चेतन जो है ना नीचे पशुओं को घास देगा। क्यों देना माँ, एक एक नहीं, वो डाल दे, तीन डाल दे इनको, तीन डाल परे। तो मैं गौशाला का जो ऊपर वाला हिस्सा था ना वहाँ पे चढ़ी हूँ, यानी कि तान बोलते हैं हम उसको, और नीचे मैंने फेंक दिया जो इनको घास देना ना, अभी बहुत टाइम है, अभी तो बाद में भी देना पड़ेगा, अभी 5 बजे से सुबह के 5 बजे तक कौन रहेगा ऐसे ही, है ना, बाद में भी दूंगी इनको घास, उतर लेती हूँ मैं पहले। और अब इनका हो गया घास, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गोबर निकाला था, इसको भी ले चलते हैं बाहर। गोबर का तसला लेकर के गया चेतन, और मैंने जो है ना हमाम अपना ढक दिया है, क्योंकि मेरे को गाय को चाहिए होता है गर्म पानी ना पिलाने के लिए, तो अंदर तो आजकल इतना पानी गर्म नहीं होता, जब हमाम जलाऊंगी ना बारिश बंद होगी तो फिर ये जल्दी से जलेगा, अगर गीला हो जाएगा ना तो फिर ये नहीं जलेगा। ये से ना ये देखिए, ये देखो ये ना मेरे
आइडिया लगाने पड़ते हैं मेरे को बड़े बड़े, ना तो ये उड़ेगा ना कुछ नहीं है। धनिया निकालते हो जा, और मैं ना मिल्किंग करूंगी। जा धनिया ले जा रहा निकाल के। गौशाला में मैंने करनी है काउ मिल्किंग, और इसको खाने को नहीं दिया आज दिन को, तो इसको मैंने खाने को दे दिया। और यहाँ पे हमने इसकी मिल्किंग करनी है, और इसने ना घास का जो है वो खलारा डाला हुआ है भाई, इसको सूखी घास पसंद नहीं है। हरी तो मैंने इसको लाई थी आज दिन को, पर इसको बाहर नहीं बांधा हुआ ना, ये बोर हो जाती है अंदर रह के, है ना। मैडम जी बरखा होने दो, ठीक है, तभी मिलना तो सा क्या रहा का। ए देखो क्या क्या हुआ, बड़ा बुरा गुस्सा आता इस वाली की, परे वाली पे ध्यान है। इसको खाने दे, तेरे को देते नहीं है, देती नहीं तेरे को है, गुस्सा भी हो दिमाग तेरा। तो अभी मैं इसकी मिल्किंग करूंगी, और कंबल में ना मैं अंदर हाथ डाल के देख रही हूँ, गर्म है वैसे ही, ठंड नहीं है, इसको लगी हुई झूठ बोल रही है। अगर लगी भी होगी ना थोड़ी बहुत ही, तो ज़्यादा झूठ बोलना है इसने, क्यों भाई लात तो नहीं मारेगी, मार भी सकती है ऐसी ठंडी में, किसने छूना इसको तो मारेगी, तो मारेगी ना, मारेगी पारू, लात तो नहीं मारना है ना बच्चे। तो हो चुकी है हमारी मिल्किंग, और बाल्टी को मैंने यहाँ पे रख दिया है, और यहाँ पे जो है ना ये गौमूत्र का डब्बा मैंने भरा हुआ, इसको ये गौमूत्र जो है ना, ये हमारी अपना जो हमारा देसी गौवंश है ना, यानी कि छोटी सी हमारी गाय, इसका ये, और इसको मैं अपना जो हमारा चूल्हा है मिट्टी का जिसपे हम खाना बनाते हैं, इस गौमूत्र से मैं वहाँ पे डेली ना चौका करती हूँ। बिल्लियों को पता लग गया है पीछे की, इन्होंने ना दूध निकाले, और देखिए बिल्लियाँ पीछे है भाई, जहाँ भी जाती हूँ ना मेरे पीछे पीछे ना ये बिल्लियाँ, मेरे बच्चे कम आएंगे पर ये बिल्लियाँ सबसे ज़्यादा। तो भाई मेरे टाइम लगेगा अभी, आप चलो तब तक, चली भी गई, मेरे टाइम लगेगा मैंने इसलिए बोला ना, क्योंकि यहाँ पे ना इन्होंने एक एक गोबर करा हुआ है वो उठाना है मेरे को, और तसला यहाँ पे, और हमारी जो पारू है ना इसने कम घास खाया हुआ, हट पीछे पारू। मेरे को पता है क्या, मेरे को बड़ी खुशी मिलती है इन पशुओं की सेवा करके, और इसने ना देखो ढेरी लगाई हुई है मेरे से ना, इस एक तो बाहर बारिश हो रही है, ऐसे मौसम में ना, बारिश के मौसम में चाहे मेरे को कुछ कमी रह जाए, पर इन बेजुबानों को ना कमी नहीं रहनी चाहिए इनको, ये बेचारे इतने मासूम होते हैं ना, सच्ची में इनके ऊपर अगर हम प्यार से ना थोड़ा सा हाथ फेर देना तो ये हमारे आगे पीछे घूमने लगते हैं। तो मैं ना इसके आसपास सफाई कर रही थी, और इसके नीचे ना इसको बैठने को, इसको आराम करने को मैं बिछौना बना रही हूँ इसका, और क्या करना बस बस, मेरे पास नहीं कुछ नहीं, मेरे को दिखाने ज़्यादा न करे। और वैसे भी आज तो बारिश हुई है, और सर्दी के मौसम की ये पहली बारिश है हल्की हल्की सी, ऐसे में ना पशुओं को ठंड होती है, तो इनके पास ना कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ये देखिए अब ठीक लग रहा है ना, इसके पास तो पूरा ढेर है, इसको ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे भी, और जो दूसरी गौशाला है ना मेरी, वहाँ पे भी पहन, ये जो मेरे घास रखने वाली जगह ना, ये फूल है आजकल भाई, स्टोर फूल है, अंधेरा होने लग रहा है। ये दो पुले बच गए ना, इनको मैं बाद में दूंगी जब मैं आऊँगी दोबारा, अब इसे कहाँ रहेंगे ये मैं तब आऊँगी जब हम खाना खुना खा के फारिग हो जाते हैं, यानी कि रात के 8:30 बजे दूसरा जो रात का लास्ट टाइम होता हमारे घास देने का। पी लो शाबाश, नीचे मत गिराओ भाई, सारे मुंह करता कट्ठा। जब तक मैं पहुंची रसोई में, तब तक जो है वो फिर से बाहर बारिश लगना स्टार्ट हो गई, और अभी तो कल के दिन की भी बारिश बताई हुई है। मेरे सिर पे घास है क्योंकि मैं घास देकर के आई हूँ, ये देखिए घास लगी हुई है, तो इसको झाड़ूंगी अच्छे से। और अब जो है ना पशुओं का काम जो है ना वो तसल्ली से हो गया है, अब हमने अपने लिए खाना बनाना है, यानी कि रात को खाना बनाना है, तो हम उसकी तैयारी करते हैं। और आप सभी को भी एक ही बात बोलूँगी कि भाई ठंड से अपना ध्यान रखिएगा, ऐसी जो ठंड होती है ना सूखे वाली, अचानक से बारिश हो जाती है, तो ऐसे में हम लोग जो है ना
बीमार पड़ जाते हैं, मेरे तो हाथ ठंडे हो जाते हैं एकदम से। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी आप सबको।